हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया है। ज्यादातर एग्जिट पोल भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो पार्टी के लिए सबसे बड़ा टास्क सीएम का चेहरा ढूंढना होगा। कांग्रेस में सीएम पद की रेस के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद की रेस में हैं, जबकि इनमें से तीन ने दो विधानसभा का चुनाव लड़ा भी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि किसके सीएम बनने के ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं। कुमारी शैलजा। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा कई मौके पर अपने सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। मतदान संपन्न होने के बाद भी उन्होंने कहा था कि राज्य की जनता और विशेषकर महिलाएं चाहती हैं कि हरियाणा में महिला सीएम बने। वह विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहती थी और टिकट बंटवारे में उनके करीबियों को उतनी तवज्जो ना दिए जाने से वे नाराज भी थी। वे भले ही विधानसभा चुनाव ना लड़ पाई हूँ, लेकिन वो सीएम की रेस में जरूर शामिल हैं। देखो, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब बातें हाईकमान को ही कंसिडर करना होगा। वो ही देखेंगे और वो अपने विवेक से फैसला लेंगे। सारी चीजें हैं और हर पहलू को मुझे विश्वास है कि हाईकमांड इन सब पहलुओं को देखेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से चुनावी मैदान में हैं। यहां से वह 5 बार के विधायक रहे हैं। उन्होंने 2005 से 2014 के बीच हरियाणा के सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली है। वह हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, इसलिए वह सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं और वह सीएम बनने के इच्छुक भी हैं। कांग्रेस ने 7 बड़े वादे किए हैं कांग्रेस ने, उसमें पहली कैबिनेट में कौन सा वादा आप पूरा करने वाले हैं? पहला डिसीजन आपकी सरकार का क्या होगा? का सवाल होगा, जवाब दे देता हूं। ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए, जो मुख्यमंत्री बने उससे सवाल पूछता हूँ। जिन सवालों को कोई औचित्य नहीं होता उनका जवाब नहीं देता हूँ। देखिए, चुनाव हुआ है, मैंने कल भी कहा, आज भी कहा है, हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। समय बहुत शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ। सर, आपने पहले भी कहा, वोटिंग प्रोसेस ठीक अच्छी है, 68% सर, आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, अपना टायर हुए, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे। अभी भी अभी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार रोहतक से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र ने अपने पिता के लिए जोर शोर से प्रचार किया। हरियाणा चुनाव में उनकी सक्रियता खूब देखी गई। ऐसे में जूनियर हुड्डा भी सीएम पद के रेस में हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ना मैं रिटायर हूं और ना ही टायर्ड हूं। ऐसे में जाहिर है कि अगर हुड्डा परिवार में किसी को सीएम बनाया जाएगा तो वह सीनियर हुड्डा ही होंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला। कैथल से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। हालांकि सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि वे चाहते हैं कि उनके पिता हरियाणा के सीएम बने। सूबे के मुख्यमंत्री बनते, हालांकि पार्टी का फैसला होता है, तो कैसे इस महत्वाकांक्षा को देखते हैं? क्योंकि तीन नेताओं का अगर हरियाणा में आज की तारीख में नाम आता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, और ये माना जाता है कि तीनों में मुख्यमंत्री पद की दौड़ है। सब की आशा होती है कि वो मुख्यमंत्री बने, अपने सिर्फ हल्के नहीं पूरे प्रांत में बदलाव ला पाए। मेरे पिताजी के पास भी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन, जो निर्णय लिया जाएगा, वो पार्टी हाईकमांड कांग्रेस के लिए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी लेंगे, जो वो कहेंगे। मैं जानता हूं, हमारे सारे एमएलए, हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता जानते हैं, वो उसी व्यक्ति को चुनेंगे मुख्यमंत्री जो सबसे ज़्यादा काम करके दिखाएगा, जो सबसे हार्ड वर्किंग है, जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, जो लोगों की बात सुनता है और विकास करता है। तो आपको लगता है कि अगर रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरे हरियाणा का विकास कराएंगे? आपने जो कहा कि नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर तबके को साथ लेकर चलेंगे, आपको ऐसा लगता है अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो? जो भी मुख्यमंत्री बनता है, जो भी पार्टी निर्णय लेती है मुख्यमंत्री बनेगा, वो इस नफरत को हटाएगा, वो हमारे पूरे स्टेट का, हमारे पूरे हरियाणा का विकास करेगा। ये सिर्फ एक आदमी ही नहीं कर सकता, सारे के सारे लीडर हमारे बहुत केपेबल है। अब मेरे पिताजी हैं,
मैं तो चाहूंगा पिताजी बने, बट वो पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी को सबसे बेहतर पता है, हमारे हाई कमांड सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी को सबसे बेहतर पता है कौन हमारे प्रांत को, हमारे सारे कार्यकर्ता को, मेरे सारे बड़े परिवार को आगे लेकर जाएगा और हरियाणा का विकास करके दिखाएगा।